नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस बिजनेस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं जूस और शेक का कैसे एक बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोमो जैसे एक छोटे से फूड आइटम में एक ऐसी कंपनी है कोलकाता की, उसका नाम है वाव मोमोज, और ये कंपनी आज के डेट में करोड़ों का टर्नओवर में है। तो आप समझिए कि जूस का जो आइटम है ना, ये आइटम भी सालों भर चलने वाला है और इसमें अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कैसे हम इस छोटे से एक आइटम को पकड़कर हम एक काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जूस सेंटर ओपन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहला होता है इसमें लोकेशन, सेकेंड होता है कितना स्पेस चाहिए, थर्ड हो गया आपका किन किन चीजों की मशीनरी लेनी है, फोर्थ हो गया इसमें प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, कॉस्टिंग क्या है, और फिफ्थ हो गया इसमें मार्केटिंग हम इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन। दोस्तों, जूस और शेक ये दो एक ऐसा आइटम है जो कि हेल्थ से रिलेटेड चीज है, और आज का जो दुनिया है वो हेल्थ से कितना कॉन्शियस है वो आप समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होगा आपका स्कूल कॉलेज, सेकेंड हो गया जिम, थर्ड हो गया कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, फोर्थ हो गया आपका मॉल का आसपास का इलाका, फिफ्थ हो गया आपका बाजार। इन 5-6 जो भी है मैंने बताया आपको, इन सारे लोकेशन में से आप किसी एक लोकेशन को आप चूज करें। एक बार हमने लोकेशन चूज कर लिया, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो है शॉप। दोस्तों, इसमें जो भी दुकान है ना उसका स्पेस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 50 स्क्वायर फीट में भी हम काम कर सकते हैं, 10x8 का स्पेस भी बहुत इनफ है। छोटे छोटे लोग तो उसको मैं क्या बोलू, पान टाइप का जो गुमटी होता है ना उसमें भी लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है इसमें बहुत बड़ा स्पेस का, कम स्पेस से इसमें काम करना है। अब आता है इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट्स क्या ले। ये एक ऐसा काम है कि इसमें कोई भी हाई फाई मशीन का जरूरत नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से 10,000 के अंदर में आप इजिली मशीन खरीद सकते हैं। इसमें जो आपको मशीन लगता है वो लगता है आपको जूसर मशीन एक, और सेकेंड जो मेरे हिसाब से चाहिए वो है आपका रेफ्रिजरेटर। स्टार्टिंग में आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर को ना भी लें तब भी चलेगा। वैसे अगर आपको कभी रेफ्रिजरेटर लेना है तो आप आराम से इसको सेकेंड हैंड में भी ले सकते हैं। तो जूसर मिनिमम कम से कम 2 रखिएगा, और मन पड़े तो एक रेफ्रिजरेटर। एक बार जब हमने इन सारी चीजों को ले लिया तो सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मेन्यू। दोस्तों, जूस का मेन्यू सेपरेट होना चाहिए और शेक का मेन्यू सेपरेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें मेन्यू किस टाइप का होना चाहिए। तो आपका मेन्यू 2 टाइप का सेपरेट होना चाहिए। पहला होना चाहिए आपका जूस का कैटेगरी और दूसरा होना चाहिए शेक का। तो जूस में आप क्या क्या रखेंगे, आम का जूस हो गया, संतरा का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया आपका, अनानास का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, बेल का और पपाया का। इसके अलावा भी आपके एरिया में कुछ वैसा अगर चलता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ शेक में हम किन किन चीज़ों को ऐड करें। तो सबसे पहला वनीला शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक, बनाना शेक, मैंगो का भी शेक आता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने सेपरेट बना लिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आप शेक बनाना सीखें कैसे, यूट्यूब। अभी आप वीडियो देखकर बिजनेस सीख रहे हैं, ऐसा ही वीडियो देखकर आप शेक बनाना भी सीख जाएंगे। आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर में बना सकते हैं। तो आप यूट्यूब की वीडियो देखकर आप वेरियस टाइप के आप इसमें देखिए कि क्या क्या फ्लेवर्स मार्केट में है, जो बढ़िया लगता है आप उसको अपने दुकान में लाइए। इस टाइप का कियोस्क को ओपन करने के लिए क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगना है, तो सबसे ज्यादा इसमें अगर कुछ मेरे हिसाब से जो कॉस्टिंग लगेगा वो है आपका रेंट। अगर आपका रेंट कम में मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रेंट के अलावा इसमें कुछ छोटा मोटा कॉस्ट लगेगा, वो आपका जूसर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स आते हैं जो इसके साथ में रखने पड़ते हैं। अगर मैं इसका लमसम कॉस्टिंग की बात करूं तो आपको कम से कम 20,000 से 25,000 का शुरुआती पूंजी लग जाएगा, और बिजनेस करने आप चले हैं तो कुछ पूंजी अपने पास भी रखते हैं जिसको हम लोग हिंदी में कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसके लिए आप कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया आप रखिएगा। ओवरऑल इस बिजनेस को स्टार्ट करने में यही कॉस्टिंग है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप के बिजनेस में प्रॉफिट क्या होगा। इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो आप समझ लो कि 100% प्रॉफिट है। आप इस टाइप का काम करके आप एक शॉप से मिनिमम कम से कम 800 से 1,000 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान है, लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी लोग कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। ये काम तो सब लोग करते हैं। दोस्तों,
एक आपने जूस का शॉप ओपन कर दिया, 25,000 रुपया से 30,000 का पूंजी आपने लगाया। जैसे ही कुछ दिन 2 से 3 मंथ हो, आप सेम चीज को अप्लाई करिए दूसरे शॉप में, और वो आपको ज्यादा दूर नहीं, उस शॉप से आपको नजदीक में ही रखना है, ताकि आपका एक ब्रांड नेम क्रिएट हो। वैसे करके आप सेल्फ ओन्ड, आप अपना ही इन्वेस्टमेंट करके 2 से 3 शॉप, 4 शॉप, 5 शॉप आप आराम से ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो सरकार से आपको लोन भी मिल जाएगा, मुद्रा लोन उसको हम लोग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, और मुझे कमेंट के थ्रू बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। सो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।